कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार के निर्देशन में दमोह पुलिस द्वारा लगातार ही मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां पिछले दिनों दमोह पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया था, वहीं अब दमोह पुलिस ने एक और मादक पदार्थ स्मैक भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर नोटा थाना क्षेत्र में चेकिंग बाद दबिस की कार्रवाई की गई, जिसके बाद नरसिंहवरण व देवरी के 2 व्यक्तियों को अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 50.6 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इनके पास से एक स्विफ्ट कार भी पुलिस ने जब्त की है। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रानी मेहरा और प्रवीण दुबे राजगढ़ और राजस्थान से अवैध मादक पदार्थ स्मैक लाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा करते थे। आरोपी व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक के पैकेट बनाकर बेचते थे। 1 ग्राम स्मैक की कीमत करीब 6,000 रुपये लिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, साथ ही इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मेरे ख्याल से ये पहला मामला है जिले का, पहला मामला। विगत कई दिनों से दमोह पुलिस एनडीपीएस एक्ट के अंदर निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रही थी। इसी के तहत निरंतर कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि एक कोई बाहर का गिरोह है जो दमोह में और आसपास के क्षेत्रों में एक एक दो दो ग्राम में छोटी छोटी पुड़िया इसमें की वो वितरित करता है, और इससे निरंतर जो है नशे के आदि बरतते जा रहे थे। ये गंभीर चिंता का विषय था, और इसी कारण से हमने एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी नोहटा और साइबर टीम एक संयुक्त टीम गठित की, और इन्होंने 2 महीने के लगातार प्रयास किए और इन्होंने जानकारी एकत्रित की है, और इस टीम के द्वारा उस गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। वह गिरोह राजस्थान से और खिलजीपुर राजगढ़ से यह माल लेके आता था और पुड़िया बना करके यहाँ के कुछ लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 ग्राम की पुड़िया बना करके वो देता था। इस गिरोह के 2 मुख्य लोग हैं, एक प्रवीण दुबे जो देवरी का रहने वाला, देवरी जिला सागर, एक रानी मेहरा जो नरसिंहपुर का रहने वाला है। ये अपनी शिफ्ट गाड़ी से आते हैं और करीब करीब इसके पहले 2 बार जो है ये छोटी छोटी पुड़िया बना करके दे चुके हैं, लेकिन इस बार जो है थाना नोटा क्षेत्र में जैसे ही ये धमों के लिए आ रहे थे तो सूचना पर इनको पकड़ा और इनके पास से करीब जो है 50.6 ग्राम जो है स्मैक, जो करीब करीब यहाँ की 3 लाख रुपए की स्मैक है, वो बरामद की। शिफ्ट गाड़ी बरामद की, इनसे मोबाइल बरामद किए, और इनसे जब डिटेल पूछताछ किए, इनने उन लोगों का नाम बताया जिनके वो ग्राहक के रूप में बैठते थे, लेकिन चूंकि ग्राहक पीड़ित थे, वो नशे के आदि होते जा रहे थे,
तो उनसे भी पूछताछ की गई है। तो उसके आधार पर निष्कर्ष निकला है कि ये पुड़िया बना कर देते हैं, और ये लोग जो है इसमें को एक सिल्वर जो पत्ता है चांदी का पत्ता उस पर डाल करके जला करके उसका जो सूंघते हैं और इस प्रकार से नशे के आदि होते जा रहे हैं। इस टीम ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है और इससे निसंदेह ये जो है नशे के कारोबार में जो लिप्त लोग हैं इन पे नियंत्रण होगा और अंकुश रहेगा।